वालेकुम सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। हमने पढ़ा है कि हजरत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह तआला अलैह सुनया सी सी एक कोई क्लिप कटया सी किसी ने अद्धा क्लिप कट के भेजा सी। आपका एक मुरीद था जो पेशे के लिहाज से ना हजाम था। हाय 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 जबरदस्त नयों का काम करता था। हमारे मतलब बाप को मत सिखा चल। उसका कोई मुरीद खो गया। बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो। पहले तो खुद ही वो तलाश में निकला दाएं बाएं देखा बस इतना ज्यादा नहीं। जब कोई सिलसिला समझ नहीं आया तो फिर वो अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। पहले लोग इतने पढ़े नहीं थे। इन लोगों का भी यही हाल है लेकिन थे यकीन वाले। आज चार किताबें तो हमने पढ़ ली हैं लेकिन यकीन वो वाला नहीं रहा कोई भी। हमें तो यकीन है हम बदगुमानी नहीं करते अल्लाह माफी दे ना बदगुमानी नहीं यकीन है इन्होंने मनने वाले सारे डंगर। हाजिर खिदमत हुआ कि इसकी हजरत बेटा खो गया है दुआ फरमा दे। बड़ा बुरा वक्त आया लेकिन शर्त यह है कि पहले मुरीद बनना पड़ेगा। पहले मुरीद बनना पड़ेगा वेले बैठे ने और किसी ने देखना हो कि मुरीद किसको कहते हैं तो फिर वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला को देख लेता है। अगर किसी ने देखना हो कि मुरीद किसको कहते हैं तो फिर मौला अली मुश्किल कुशा को देख लेते हैं। आपको पता चल जाएगा कि मुरीद कहते किसको हैं। अबू बकर उमर उस्मान अली जैसा है ही कोई नहीं तो आडे सारे बाबे दे शाही कोई नहीं। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है नंबर एक का कबीला है। जी 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 आंखें देखो नीयत में खोट साफ नजर आता है हवस से भरी हुई। 18 साल उसको इसी हाल में गुजर गए। वो घर में बैठा था को बातें हो रही थी किबला पीर साहब का तज़किरा छड़ आ गया तो बीवी आगे से कहती है मैंने ना अपने पीर दियां गल्लां सुनाया का ले लो बाबे तो अपने मैं नहीं मनदी कोई। उसने कहा तू क्यों नहीं मानती। उसने कहा मैं तो उस दिन मानूंगी जिस दिन मेरा मुंडा ढूंढ के देंगे। मुरीद था ना इधर लगी। उसने कहा अपनी जुबान को लगाम दे इसमें भी कोई हिकमत है जब वक्त आएगा तो किबला ये भी शफकत फरमा ही देंगे। गजब बेइज्जती है। आपने देख लिया जो मुरीद का इम्तिहान लेना मुरीद ने 100 में से 100 नंबर लिए। आपने बंदा भेज के ना बुला लिया। बुला लिया उन्होंने कमरे में। कमरे से नहीं जाना। अब बताया नहीं उसको कुछ भी। जो हमने किताबों में पढ़ा है तो लिखा है कि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रजी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत पे अमल करते हुए आप टिंड करवाया करते थे। मैंने भी आज करवानी थी बस जरा वक्त नहीं मिला। आज जाके मैंने भी करवानी है। तू गजमा नु का जितने मर्जी था मनु के लेना देना। वो लिखा है कि आपने उसके सामने ना पगड़ी खोली। लामा साहब ने कहा नहीं कराई है। किधर नहीं लिखा। आपने फरमाया यार बाल काफी बढ़ गए हैं तो तू फिर मेरी टिंडी कर दे। चलो उसने जनाब उस तरह लगाया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सुन्नत के मुताबिक उसने दाईं जानिब से सर मुबारक मुंडना शुरू कर दिया। ठीक है। अब बीवी ने बेटे की जुदाई का जख्म पहले छील दिया है। अंदर बेटे की जुदाई का एक तूफान बरपा है लेकिन उसने क्या किया उसने अपनी जुबान को अपने दांतों के नीचे दे दिया। कहीं बेटे की मोहब्बत में कोई ऐसी बात ही ना निकल जाए कि 18 साल की मेहनत ही जाया जाए। ओदी वजह मैं ही हां। हर मसले के पीछे एक ही मसला है। लेकिन आपको पता है तूफान रास्ता तो बना लेता है ना। जब तूफान को इजहार का कोई रास्ता नहीं मिला तो तूफान ने आंसुओं की शक्ल इख्तियार की और बहना शुरू कर दिया। वो आंसू आंखों से होते हुए दाढ़ी से होते हुए उसी के दामन पे गिर रहे थे। जब उसने दाईं साइड मूंड ली ना सारी तो अब उसने आना था बाईं साइड पे। जब बाईं साइड पे आने के लिए उसने हरकत की ना तो आंसुओं के चंद कतरे आपके सरे मुबारक के उस हिस्से पर गिरे जहां से बाल उतर चुके थे। भाई बहाना ही बनाना था ना पता तो पहले भी था क्या हो रहा है। तो जब कतरे गिरे तो पीछे देख के उसको पूछते हैं ओ भाई तू क्यों रो रहा है। आज 18 साल बाद पीर ने पूछा था कि तू क्यों रो रहा है हजरत। हंसते पे ने सारे तुहाडा भी जिक्र है। फिर तो फूट फूट के रोया हजरत। जब कैफियत संभली ना थोड़ा साल लेने दो तो उस करता हुजूर शायद आपको याद हो 18 साल पहले बेटा खोया था आपकी बारगाह में हाजिर हुआ 3 अर्जियां पेश की आप खामोश रहे मैं भी नहीं बोला तो रहने दो फिर। आज पूरे 18 साल हो गए हैं आज के दिन ही खोया था। बीवी लड़ी है उसने ताना दिया है। जनानियां नहीं ये बात आ दी कहती मैं नहीं तेरे पीर को मानती। मैंने पूछा वो क्यों। के लोग तो अपनी औलाद की करतूत की वजह से मुंह छुपाते फिरते हैं जी और ये अपने बुजुर्गों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। कहती मैं तो तब मानूंगी जब मेरा बेटा ढूंढ के देंगे। मेरे हाल नहीं जाना वो कह रही है मैं नहीं कह रहा। आपने मुस्कुरा के फरमाया उसने कौन सा रोज रोज कहना है। चल घर पहुंच तेरे जाने से पहले पहले बेटा आ गया होगा। हैं उसने लगा दौड़ दी हजरत। अब हजरत इनके साथ को दौड़ सकता है। मुरीद बड़ा ही दौड़ा बड़ी दौड़ लगाई उसने लेकिन जब अपने घर पहुंचा तो क्या देखता है सारा इलाका इकट्ठा है। उसने पूछा भाई क्या हुआ भाई मुबारक हो। उसने लोगों को पीछे हटाया जब अंदर दाखिल हुआ दोनों बगलगीर हुए खूब रोए। जब अंदर का तूफान थम गया ना तो बाप बेटे से पूछता है बेटा गया किस तरह और आया किस तरह। हाँ दसो। कहता है बाजी मेरे सिख मालिक ने कहीं जाना था उसने घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया। मैं घोड़ा तैयार करके उसकी लगाम पकड़े खड़ा था मेरा रुख दरवाजे की जानिब से था। बाबा जी दरवाजे से नहीं आए जमीन से निकले या आसमान से गिरे मुझे नहीं पता।
भागते हुए आए, मेरा हाथ पकड़ा घोड़े समेत, वहां से उठा के यहाँ रख के फिर गायब हो गए। वो कहता है बेटा अगर तुझे ले जाऊं और बाबा जी को पहचानना पड़े तो पहचान लेगा, अगर शनाख्त करनी पड़े तो कर लेगा। तो आगे से कहता बड़ी पहली गलत है वे कि बाबा जी एडे सोने ने लखा च खलारोगे पहचान लांगा, लेकिन सब तो वड्डी निशानी है ऐसी अद्धी टिंड सी सिर ते वाल सन। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए।